ओम श्री विद्याय नमः। तो मित्रों, सर्वप्रथम मिथुन राशि वाले जातकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये साल आपके लिए पूर्ण रूप से मंगलमय हो। हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं जो भी आप चाहते हैं वह इच्छा आपकी पूर्ण हो, ऐसी कामना के साथ मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। और मिथुन राशि से संबंधित सभी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। और मिथुन राशि से संबंधित और भी 2023 से महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, जैसे कि 2023 में आपका व्यापार कैसा होगा, नौकरी, प्रेम, शादी, विवाह इत्यादि सब चीज़ों के लिए अलग से स्पेसिफिक वीडियोज़ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को जल्दी प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम 2023 में जो बड़े बड़े ग्रह गोचर आपके होने वाले हैं और आपके किस किस भाव में वे गोचर होंगे, इसके बारे में हम जानकारी आपको पहले देते हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा रहेगा वर्ष 2023 मिथुन राशि के जातकों के लिए। और बताते हैं आपको 2023 का जो मिथुन राशि का वार्षिक फल है उसके अनुसार क्या क्या आपके साथ में होने वाला है। वार्षिक राशि फल 2023 के अनुसार इस वर्ष आपकी राशि से अष्टम भाव में लंबे अरसे से विराजमान शनि महाराज 17 जनवरी को अपना गोचर करते हुए मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में यानी आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। इस प्रकार यह एक तरफ जहां आपको भाग्यशाली बनाएगा तो वहीं दूसरी तरफ आपकी शनि देव की ढैया को भी समाप्त कर देगा और आपको शनि देव के द्वारा होने वाले अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी तथा आप भाग्य का लिखा प्राप्त करेंगे। देवताओं के गुरु बृहस्पति देव जो वर्ष की शुरुआत में आपके दशम भाव में चल रहे हैं वह 22 अप्रैल को आपके एकादश भाव में 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो राहु महाराज का गोचर 30 अक्टूबर को आपके एकादश भाव से निकलकर दशम भाव में मीन राशि में होगा और केतु महाराज भी इसी प्रकार पंचम भाव से निकलकर आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। ग्रहों का यह गोचर आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर के आने में सक्षम है। आगे आप इस वीडियो में आप जानेंगे कि यह महत्वपूर्ण जो गोचर है आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों में प्रभाव दिखाने वाला है। मिथुन राशि फल के अनुसार वर्ष 2023 मिथुन राशि के जातकों के जीवन में एक बड़ा अच्छा वर्ष साबित होने वाला है, यानी अब तक जितने आपके वर्ष गए उनमें बहुत अच्छा ये वर्ष साबित होगा, क्योंकि सर्वप्रथम शनि की ढैया समाप्त होने से आपका मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य में जो समस्या आपकी आ रही थी अब उनमें कमी देखने को मिलेगी और आप जीवन के क्षेत्रों में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका भाग्य आपके साथ खड़ा नजर है। शनि के राशि परिवर्तन के कारण से जो आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा और भाग्य की प्रबलता हर मुश्किल को आसान बना देगी, रुके हुए काम बनने लग जाएंगे जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। यह वर्ष कई मामलों में आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन वह क्षेत्र भी आपकी समझदारी से सुधर सकते हैं। आपको आगे ले इस वीडियो में आपको प्राप्त होगा कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो मित्रों, मिथुन राशि के जातकों को 2023 के अनुसार वर्ष की शुरुआत में आप मानसिक तनाव से निकलेंगे, पहले महसूस करेंगे और उसके बाद में आपको निकल जाएंगे जैसे शनि का गोचर होगा। 17 जनवरी को जैसे ही शनि मकर राशि छोड़कर कुंभ में प्रवेश करेंगे आपकी कंटक शनि की स्थिति समाप्त हो जाएगी और आप बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। इस प्रकार जिन कार्यों में व्यवधान आ रहे थे वे काम अब पूरे होने लग जाएंगे, मानसिक तनाव बहुत हद तक दूर हो जाएगा, आपके निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा आपका भाग्य हर जगह आपकी धीरे धीरे मदद कर रहा है, आपका मन धार्मिक कार्यों में खूब लगेगा, वहीं कई प्रकार से आपको फायदे होते हुए नज़र आ रहे हैं, आप एक खुशी के माहौल को महसूस करेंगे। वर्ष 2023 के शुरुआती दिनों में आपका स्वास्थ्य हल्का फुल्का कमज़ोर रहने की संभावना है जिससे बाहर आने से थोड़ा सा समय आपको लग सकता है। आप अपनी पुरानी नौकरी को छोड़ने का मन बना सकते हैं और शीघ्र ही वर्ष के शुरुआती महीने में ही आपको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। जो लोग पहले से नौकरी पे हैं उनका प्रमोशन होता हुआ इस वर्ष दिखाई दे रहा है, जहां आपको संतुष्टि भी मिलेगी और नौकरी लंबी चलने के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों को इस वर्ष 2023 के शुरुआती महीनों में संतान को लेकर हल्की फुल्की चिंताएँ रहेंगी और प्रेम संबंधों में भी थोड़ी बहुत समस्या आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आर्थिक तौर पर यह समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है, आपको धन की खूब प्राप्ति होगी। दूसरी और तीसरी
और भी ज़्यादा आर्थिक स्थिति को बढ़िया बनाने वाला होगा दूसरी तीसरी छमाही में, और आपके पास आमदनी आपकी बढ़ती जाएगी। आपको आर्थिक मामलों में थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी, खर्चों पर ज़्यादा फालतू खर्चों पर रोक लगानी होगी। तो मित्रों, इस वर्ष की पहली तिमाही में परिवार में काफ़ी अच्छी स्थिति देखने को मिलने जा रही है। परिवार में काफ़ी सुख शांति रहेगी, कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है और साथ ही साथ घर में कोई पूजा पाठ भी हो सकता है, और चारों ओर का माहौल धार्मिक और उल्लास से भरा हुआ रहेगा। घर में कुछ शुभ कार्य संपन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी के विवाह की शहनाइयाँ बजती हुई दिखाई दे रही। यह तिमाही आपको अपने भीतर झांककर अपनी गलतियों को ध्यान में रखकर उन्हें दोबारा न दोहराने की सलाह दे जाएगी। दूसरी ओर तिमाही यानी तीसरी तिमाही आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने लग जाएंगी और परियोजनाएं सफल होने लग जाएंगी और आमदनी में ज़बरदस्त बढ़ोतरी आपको देखने को इस वर्ष मिलने वाली है। जो पिछले कुछ समय से नौकरी के लिए आवेदन कर रहे थे उन्हें भी सफलता मिलेगी और कई नौकरियां आपको प्राप्त हो सकती है। नई नौकरी के बहुत चांस इस समय मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही आपका अपने काम पर विश्वास बढ़ेगा, आपके जो सीनियर्स हैं उनका भरोसा भी आप पर और ज़्यादा बढ़ेगा और आप अच्छी कंपनी में मजबूत स्थिति में आ सकते हैं। आपको अच्छी आमदनी प्राप्त होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। वर्ष की शुरुआत में शनिदेव आपके अष्टम भाव में रहेंगे और बृहस्पति महाराज दशम भाव में होंगे, इस वजह से शुरुआती महीना करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, परंतु जैसे अष्टम भाव से शनि निकले तो वैसे ही आपको भाग्य के बल के कारण आपके करियर में बहुत अच्छी स्फूर्ति देखने को मिलेगी। फरवरी के महीने में आपको परेशानियों से निजात मिलेगी, किसी सुदूर यात्रा के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं और परिवार का माहौल धार्मिक रहेगा। मार्च के महीने में आपको अपने व्यापार में कटुता से बचना होगा और किसी को भी उल्टा सीधा बोलने से बचने से ही आपका भला हो सकेगा। और 2023 के अनुसार अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें घर में होंगे, तो जिसके कारण से आपकी आमदनी में चारों तरफ से वृद्धि के योग बनेंगे, बढ़ेगी आपकी जो आमदनी। इस दौरान संतान प्राप्ति की कुछ सुखद संभावनाएं और समाचार प्राप्त हो सकते हैं। आपको अपने करियर में भी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। इस समय आपकी तनख्वाह में वृद्धि के संकेत बन रहे हैं। मई के महीने में पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है, जमीन जायदाद के मामलों में आपको कुछ परेशानी महसूस हो सकती है और उसकी वजह से किसी से कुछ झगड़ा हो सकता है, लेकिन कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता आपको ही मिलेगी और आपको उनसे फायदा होगा। जून का महीना अच्छा व्यतीत होगा, आपको अपने कामों में सफलता मिलेगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जुलाई का महीना आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी प्रदान करेगा। अगस्त के महीने में आप अपने विरोधियों पर भारी होंगे और खर्चों में थोड़ी बहुत जो है बढ़ोतरी महसूस करेंगे आप। इसके बाद आने वाला सितंबर का महीना कई मामलों में राहत की खबर लेकर आएगा और आप जीवन के कई क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इस दौरान आपके मित्र भी आपकी सहायता करेंगे। और 2023 के राशिफल के अनुसार, वार्षिक फल के अनुसार अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप कोई बड़ी गाड़ी या अपना घर खरीद सकते हैं। नवंबर के महीने में प्रेम संबंधों के लिए अनुकूलता से भरा हुआ समय रहेगा और संतान की प्रगति होगी। दिसंबर के महीने में आपको जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामलों में कुछ तनाव का सामना हल्का फुल्का करना पड़ेगा, परंतु बाद में आपके पक्ष में ही सारा फैसला आएगा और आपकी माताजी के स्वास्थ्य में हल्की फुल्की गिरावट रहेगी। उसके लिए आप चंद्रदेव की पूजा करें और माताजी से एक जल का लोटा भगवान शिवलिंग पर सोमवार के दिन चढ़ाएं। तो मित्रों, ये सब कुछ खास होने वाला है मिथुन राशि के जातकों के लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक शेयर अवश्य करें, और मिथुन राशि से संबंधित और अच्छी जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। ओम श्री विद्याय नमः।